हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्सालगिन डीपी टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये ब्रांड है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये दवा काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इस टैबलेट के बारे में सब कुछ समझ में आएगा और दवाइयों से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इस टैबलेट में दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, इसमें है डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामोल। जो डाइक्लोफेनेक सोडियम है ये 50 mg के स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है और जो पैरासीटामोल है 325 mg के स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो जाइडस कंपनी का ये ब्रांड है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो ₹111.30 पर 15 टैबलेट इसका प्राइस है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, यानी कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सालगिन डीपी टैबलेट का इस्तेमाल मुख्यतः दर्द और बुखार की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा और भी कई तरह की समस्याओं को ये टैबलेट दूर करती है, जैसे कि सिर दर्द को, बदन दर्द को, कमर दर्द को, जोड़ों का दर्द, दांत का दर्द, गठिया का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, सूजन, अर्थराइटिस की समस्या। इसके साथ साथ बॉडी में अगर कोई भी पेन होता है, दर्द होता है, तो इन सारी दर्द और बुखार की समस्या को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ये दवा कैसे काम करती है। इसमें जो डाइक्लोफेनेक सोडियम है एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है। यह दवा साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के प्रोडक्शन को रोकती है, जिस कारण से प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन रुक जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन ही दर्द और सूजन उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार रसायन होते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या रुक जाता है तो दर्द और सूजन में राहत मिलती है। तो इस तरीके से डाइक्लोफेनेक सोडियम काम करती है। जो पैरासीटामोल है ये दर्द निवारक और ज्वरनाशक का काम करती है। यह भी प्रोस्टाग्लैंडिन अवरोधक होती है, यानी ये प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को रोकती है, जिसके कारण पेशेंट को दर्द में और फीवर में राहत मिलती है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन दोनों काम करती हैं। अब हम बात करेंगे इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए सामान्य खुराक जो है एक एक टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती है, लेकिन ये दवा जो है मरीज की मेडिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। हो सकता है आपके डॉक्टर इस दवा को 2 टाइम की जगह आपको 3 टाइम दे सकते हैं या कंडीशन के हिसाब से इसकी डोज कम भी दे सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। इस मेडिसिन को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, कभी भी खाली पेट इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट लेने से स्टोमक अपसेट की समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा खाना खाने के बाद ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, थकान हो सकती है, स्किन पर रेसेस पड़ सकते हैं, ऊँघने की समस्या हो सकती है, दस्त लगने की समस्या हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आने की समस्या हो सकती है, पेट में ऐंठन हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, कब्ज की समस्या हो सकती है। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन से देखने को मिलते हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट अस्थायी होते हैं, समय के साथ साथ ही ठीक हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अभी आपने इसके साइड इफ़ेक्ट बारे में जाना, अब हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है इसका इस्तेमाल करने से पहले। अगर किसी व्यक्ति को डाइक्लोफेनेक सोडियम से या पैरासीटामोल से इनमें से किसी से भी एलर्जी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को इस दवा का प्रयोग
नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को किडनी से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है या लीवर से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को भी हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। शुगर के मरीजों के लिए, अस्थमा के मरीजों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, इन कंडीशन में भी हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, अल्कोहल के साथ इस दवा का इंट्रैक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसलिए अल्कोहल के साथ भी इस मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। यदि आप ओवरडोज लेते हैं तो ये लीवर में टॉक्सिसिटी पैदा करती है और आपके लीवर को डैमेज भी कर सकती है, इसलिए नॉर्मल डोज में ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए, जितने डोज आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो ये थी जानकारी ऑक्सालगिन डीपी टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें।